नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप भी देकर आ रहे हैं CBSE क्लास 10th के 13 मार्च 2019 के साइंस का पेपर और आपके पास है सेट 1, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बने रहें। सेट 3 का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास साइंस का सेट 1 जिसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में कि हमारे जो आंसर्स हैं, अगर आपके आंसर्स डायरेक्टली हमारे आंसर्स से नहीं मिले तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर आपने हमारे आंसर से रिलेटेड आंसर भी लिखे हैं या फिर कोई ऐसा आंसर लिखा है जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग हमारे आंसर से मिलता हो, तो भी आप सॉल्यूशन पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डर जाते हैं कि पता नहीं कि मेरा नंबर मिलेगा तो कि नहीं मिलेगा। तो आपने अगर इससे रिलेटेड आंसर लिखे हैं तो आपको बिल्कुल आपका मार्क्स मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रखा है सॉल्यूशन। तो इसके साथ ही अगर आपका कोई डिफरेंट सेट है तो केवल नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज है तो केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। फर्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली दैट मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय रो। अगर आपने इतना लिखा है या इससे रिलेटेड आपने आंसर्स किए हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिस्ट टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मींस प्लांट एनिमल और अबायोटिक मींस लाइट सॉइल टेम्परेचर ईटीसी। तो अगर आपने ऐसा डायरेक्टली लिखा या इससे संबंधित आपने आंसर किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। सेक्शन बी, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकल, आयनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो इसका आंसर होगा कि सॉलिड स्टेट में किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के फ्री आयंस नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स तभी ये कंडक्ट करती है जब इसमें फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड स्टेट में इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। इसमें और करके भी एक आंसर था तो दोनों का आंसर मैंने किया है। चलिए तो चलते हैं आंसर शीट पर। तो फर्स्ट का जो ऑक्सिन का था उसमें होगा ऑक्सिन इज प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ द सूद व्हेन ए टेंड्रिल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सपोर्ट इट स्टिमल्स stimulates faster growth of the cell on the opposite side, that's why the tendril forms a coil like structure around the support। तो अगर आपने डायरेक्टली ये आंसर लिखा है या इससे रिलेटेड आंसर लिखे हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट इसी में चलते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स, स्टेट द डायरेक्शन फ्लोड बाय ए नर्व इम्पल्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आंसर किया है कि नर्व इंपल्स क्या है। तो नर्व इंपल्स इज अ सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग ए नर्व फाइबर, यहाँ पे फाइबर होगा। इट इज एन इलेक्ट्रिकल वेव दैट अपोजिट एंड दैट ऑब्जर्व एंड कलेक्ट्स द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड पास देम टू द ब्रेन। अब इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट